द डांस ऑफ द यूनक, इसके पोएट कमला दास हैं जो कि मलयालम और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखते थे। पोएट इसमें मतलब इस पोएम में नॉर्मली तो वो वुमेन का ट्रेजिक लाइफ दिखाते हैं, लेकिन इस पोएम में यूनक के बारे में उन्होंने लिखा है कि आउटसाइड दे डांस एंड सिंग, बाहर से वो नाचती गाती है लेकिन अंदर से वो लोग जॉलस लॉनली एंड स्ट्रगलिंग होते हैं। तो पोएम है कि एक बहुत ही समर सीजन का है, वहाँ पे बहुत ही गर्म डे है, हॉट डे, यूनक आए हुए हैं डांस करने क्योंकि एक चाइल्ड बर्थ हुआ है पोएट के नेबरहुड में। तो वो लोग तो सिंग एंड डांस कर रही है लेकिन पोएट उसका सैडनेस देख पा रहे हैं, ट्रेजिक क्या है। उनका जो बॉडी है यूनक का वो बहुत ही थिन है, कैसा थिन है, जो आधे जले हुए जो लकड़ियाँ होते हैं फ्यूनरल में उनके जैसा इतने पतले हैं, और उनके बॉडी लुक ड्राई एंड रोटेन है। कुछ चिल्ड्रन देख रहे हैं, क्राउड देख रहे हैं, क्राउड देखने से मतलब है कि ओमनियस मतलब टोन दिया गया है, हैप्पी फीलिंग नहीं है। उनका जो यूनक जो गा रहे हैं उसके आवाज में भी मेलोडी नहीं है। तभी रैन होती है, तो चूंकि ये हॉट डे था तो ये तो सारे के लिए रिलीफ है, सारे लेकिन वापस जाने लगते हैं घर के अंदर। तो इस तरह से ये रैन जो सारे के लिए खुशियां, यूनक के लिए नहीं, क्योंकि ये उसके लाइवलीहुड के सोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है।